हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, मैं मैं विक्रम विक्रम कुमार, कुमार आप आप सभी सभी का का अपने अपने YouTube YouTube चैनल चैनल स्कूलर्स स्कूलर्स इन इन सब सब के के ऊपर ऊपर स्वागत स्वागत करता करता हूँ। हूँ। आज आज के के लेक्चर लेक्चर में में हम हम जो जो हमारा हमारा प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर लेक्चर के के अंदर अंदर जो जो हमारा हमारा ईयर ईयर 2021 2021 रिलेटेड रिलेटेड जो जो हमारा हमारा सेक्शन सेक्शन ए ए था, था, जिसके जिसके लास्ट लास्ट लेक्चर लेक्चर के के अंदर अंदर हमने हमने क्या क्या किया किया था था कि कि सिर्फ सिर्फ हमने हमने 30 30 क्वेश्चन क्वेश्चन ही ही इसके इसके यहाँ यहाँ पे पे अटेम्प्ट अटेम्प्ट किए किए थे। थे। तो तो आज आज के के लेक्चर लेक्चर में में जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे रिमेनिंग रिमेनिंग 20 20 क्वेश्चंस क्वेश्चंस हैं हैं उनको उनको हम हम आज आज के के लेक्चर लेक्चर में में आप आप डिस्कस डिस्कस करके करके चलेंगे। चलेंगे। और और जिसकी जिसकी वजह वजह से से जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे जो जो डीवीटी डीवीटी ईयर ईयर 2021 2021 का का जो जो हमारा हमारा सेक्शन सेक्शन ए ए है है वो वो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे कंप्लीट कंप्लीट हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, तो तो आज आज के के लेक्चर लेक्चर में में हम हम क्या क्या करेंगे करेंगे कि कि जो जो हमारा हमारा सेक्शन सेक्शन ए ए है है ईयर ईयर 2021 2021 का, का, उसका उसका जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे 20 20 क्वेश्चन क्वेश्चन रहते रहते हैं हैं उन्हीं उन्हीं को को हम हम यहाँ यहाँ पे पे डिस्कस डिस्कस करके करके चलेंगे चलेंगे और और नेक्स्ट नेक्स्ट उसके उसके बाद बाद हम हम शिफ्ट शिफ्ट करेंगे करेंगे सेक्शन सेक्शन बी बी की की तरफ। तरफ। तो तो हमारे हमारे 30 30 क्वेश्चन क्वेश्चन इसके इसके ऑलरेडी ऑलरेडी हो हो चुके चुके हैं, हैं, तो तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे 20 20 क्वेश्चन क्वेश्चन रहते रहते हैं हैं उसके उसके अंदर अंदर यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा जो जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है है इसमें इसमें हमें हमें क्या क्या दिया दिया हुआ हुआ है। है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग ए ए फेड फेड बैच बैच प्रोसेस प्रोसेस सेल सेल ग्रो ग्रो फ्रॉम फ्रॉम ए ए सेल सेल डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑफ 1 1 इंटू इंटू 10 10 रेज रेज टू टू पावर पावर 6 6 सेल्स सेल्स पर पर ml, ml, टू टू 16 16 इंटू इंटू 10 10 रेज रेज टू टू पावर पावर 6 6 सेल्स सेल्स पर पर ml ml ओवर ओवर 12 12 डेज। डेज। साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली द द एवरेज एवरेज सेल सेल डायमीटर डायमीटर ऑल्सो ऑल्सो इंक्रीज इंक्रीज फ्रॉम फ्रॉम 10 10 12 12 माइक्रोन्स माइक्रोन्स टू टू 18 18 माइक्रोन माइक्रोन ओवर ओवर द द सेम सेम पीरियड। पीरियड। टोटल टोटल फोल्ड फोल्ड इंक्रीज इंक्रीज इन इन द द सेल सेल वॉल्यूम वॉल्यूम पर पर ml ml ओवर ओवर द द इंटायर इंटायर प्रोसेस प्रोसेस इज। इज। अभी अभी यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या है है कि कि हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे एक एक फैड फैड बैच बैच प्रोसेस प्रोसेस चल चल रही रही थी। थी। ठीक ठीक है, है, और और इसके इसके अंदर अंदर क्या क्या देखने देखने को को मिला मिला कि कि जो जो हमारे हमारे सेल्स सेल्स है है वो वो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे ग्रो ग्रो हो हो गई गई और और उनकी उनकी जो जो डेंसिटी डेंसिटी है है वो वो क्या क्या हो हो गई गई यहाँ यहाँ पे पे जो जो पहले पहले यहाँ यहाँ पे पे 1 1 इंटू इंटू 10 10 रेज रेज टू टू पावर पावर 6 6 सेल्स सेल्स पर पर ml ml थी थी वो वो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या हो हो चुकी चुकी है है 16 16 इंटू इंटू 10 10 रेज रेज टू टू पावर पावर 6 6 सेल्स सेल्स पर पर ml। 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 क्लियर क्लियर है? है? ठीक ठीक है, है, और और कितने कितने दिन दिन के के अंदर? अंदर? टोटल टोटल 12 12 डेज डेज के के अंदर। अंदर। अब अब उसके उसके अलावा अलावा ये ये तो तो देखो देखो यहाँ यहाँ पे पे काउंटेबल काउंटेबल डेज डेज है। है। ठीक ठीक है है, क्या? उसके उसके अलावा अलावा यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या हो हो रहा रहा है है कि कि साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली इसी इसी के के साथ 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 द द एवरेज एवरेज सेल सेल डायमीटर डायमीटर ऑल्सो ऑल्सो इंक्रीज इंक्रीज फ्रॉम फ्रॉम 12 12 माइक्रोन। माइक्रोन। अब अब क्या क्या होता होता है है कि कि जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया है है जो जो भी भी है है ये ये जो जो सेल्स सेल्स होंगे होंगे हमारे हमारे तो तो उनका उनका जो जो डायमीटर डायमीटर है है ना, ना, ठीक ठीक है, है, सेल सेल का का डायमीटर डायमीटर वो वो भी भी अब अब क्या क्या हो हो चुका चुका है, है, वो वो भी भी इंक्रीज इंक्रीज हो हो चुका चुका है है जो जो कि कि 12 12 माइक्रोन माइक्रोन से से अब अब कितना कितना हो हो चुका चुका है? है? वो वो हमारा हमारा हो हो चुका चुका है है 18 18 माइक्रोन। माइक्रोन। ठीक ठीक है, है, इसी इसी टाइम टाइम के के अंदर अंदर यानी यानी कि कि 12 12 डेज डेज के के अंदर अंदर अब अब यहाँ यहाँ पे पे हमें हमें बताना बताना क्या क्या है? है? टोटल टोटल फोल्ड फोल्ड इंक्रीज इंक्रीज इन इन द द सेल सेल वॉल्यूम वॉल्यूम पर पर ml ml ओवर ओवर द द इंटायर इंटायर प्रोसेस। प्रोसेस। यानी यानी कि कि इस इस पूरे पूरे टाइम टाइम के के अंदर अंदर यानी यानी कि कि जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे 12 12 डेज डेज है है उसके उसके अंदर अंदर जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे टोटल टोटल फोल्ड फोल्ड इंक्रीज इंक्रीज इन इन द द सेल सेल वॉल्यूम। वॉल्यूम। देखो, देखो, सेल सेल वॉल्यूम वॉल्यूम के के अंदर अंदर यहाँ यहाँ पे पे हम हम एक एक तो तो जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे सेल सेल है है उसके उसके जो जो यहाँ यहाँ पे पे डायमीटर डायमीटर के के अंदर अंदर इंक्रीज इंक्रीज हुआ हुआ है है यानी यानी कि कि एक एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो जो हमारा हमारा सेल सेल है है उसकी उसकी वॉल्यूम वॉल्यूम के के अंदर अंदर हमारा हमारा कितना कितना इंक्रीज इंक्रीज हुआ? हुआ? ठीक ठीक है है, क्या? वो वो हमारा हमारा कितना कितना इंक्रीज इंक्रीज हुआ हुआ यहाँ यहाँ पे? पे? वो वो हमारा हमारा 1.55 times। पहले पहले यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा 12 12 माइक्रोन माइक्रोन था था डायमीटर, डायमीटर, अब अब कितना कितना हो हो गया? गया? 18 18 हो हो गया। गया। तो तो ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो गया? गया? 1.55 times 1.55 times हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे जो जो डायमीटर डायमीटर है है वो वो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे इंक्रीज इंक्रीज हो हो चुका चुका है है सेल्स सेल्स का। का। ठीक है ठीक क्या? है, उसके उसके अलावा अलावा जो जो उनके उनके काउंट काउंट भी भी थे, थे, जो जो उनकी उनकी डेंसिटी डेंसिटी भी भी थी, थी, वो वो कितने कितने टाइम टाइम यहाँ यहाँ पे पे इंक्रीज इंक्रीज हो हो चुके चुके हैं? हैं? 16 16 टाइम टाइम यहाँ यहाँ पे पे इंक्रीज इंक्रीज हो हो चुके चुके हैं। हैं। तो तो टोटल टोटल हम हम यहाँ यहाँ पे पे बताना बताना है है यानी यानी कि कि इन इन दोनों दोनों को को यहाँ यहाँ पे पे मल्टीपल मल्टीपल करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। बट बट यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या है है कि कि जो जो यहाँ यहाँ पे पे इंक्रीज इंक्रीज हुआ हुआ ना ना ये, ये, ठीक ठीक है, है, जो जो 12 12 माइक्रोन माइक्रोन से से 18 18 माइक्रोन माइक्रोन की की यहाँ यहाँ पे पे बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, ये ये हमारा हमारा क्या क्या इंक्रीज इंक्रीज हुआ हुआ यहाँ यहाँ पे? पे? डायमीटर डायमीटर इंक्रीज इंक्रीज हुआ हुआ है। है। जबकि जबकि यहाँ यहाँ पे पे मैं मैं वॉल्यूम वॉल्यूम बतानी बतानी है, है,
है, क्रॉस किया उसको फोर टाइम्स, और हमें यहाँ पे बताना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट वंस, यानी कि जब हमने इसको चार बार यहाँ पे उछाला, ठीक है, तो इसके अंदर में बताना क्या है कि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमारा एटलीस्ट एक बार तो यहाँ पे हमारा हेड आ ही जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इसकी लैंग्वेज है ना वो देखनी है, एटलीस्ट वंस यानी कि कम से कम हमारा यहाँ पे हेड एक बार तो आ ही जाए, ठीक है, यानी कि एटलीस्ट वंस क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो एटलीस्ट वंस हमारा किस तरीके से आ सकता है, देखो कुछ चार बार उछाला गया है तो हमारा पहला यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा हेड सिर्फ एक ही बार आए, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि हमारा सिर्फ एक ही बार हेड आए और बाकी हमारे तीनों के तीनों रिजल्ट में क्या आए, टेल आए, ठीक है। अब ये हेड हमारा कहीं पे भी हो सकता है, इस चीज की हमें यहाँ पे कोई वो नहीं है कंडीशन कि हमारा हेड फर्स्ट वाले पे होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक बार हमारे यहाँ पे हेड होना चाहिए। तो एक बार हमारी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा सिर्फ एक ही हेड आए यहाँ पे, ठीक है, चार बार उछाला और सिर्फ एक बार हमारा हेड आया। सेकंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ पे दो बार हेड आए, देखो एटलीस्ट वंस बोला गया तो कम से कम, सॉरी एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक बार हमारा होना चाहिए, उससे ऊपर भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, ठीक है, या फिर थर्ड क्या हो सकता है कि वो तीन बार भी आ जाए हेड हमारा और एक बार हमारा टेल हो, और फोर्थ क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा चारों बार हेड ही आ जाए। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारे किसको यहाँ पे प्रेफर कर लिए, ये हमारा जो एटलीस्ट वंस हेड कि कम से कम एक बार तो है ही, उससे ऊपर हमारा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बतानी है ना वो हमें किसकी बतानी है, इन चारों के रिजल्ट की, इन चारों रिजल्ट की जो हमारे यहाँ पे टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हम यहाँ पे जो सिक्के को उछाला है वो चार बार उछाला, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या रहा है कि हमारे यहाँ पे टोटल पांच टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं, चार तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, फिफ्थ हमारे यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा हेड आए ही ना, मतलब हमारे चारों बार यहाँ पे क्या हो, टेल आए। तो टोटल हमारे यहाँ पे जो होंगे ना, टोटल हमारे कितने रिजल्ट हो सकते हैं, हमारे यहाँ पे पांच टाइप के रिजल्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, जो हमारे ये चार है ये हमारे कौन से है, ये हमारे फेवरेबल वाले हैं जिनके हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है, ये हमारा अनफेवरेबल है, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारी टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, जैसे कि हमारे टोटल पांच ही पे कंडीशन हो सकती है, तो इन पांचों की 1 2 3 4 और 5 इनकी जो नेट प्रोबेबिलिटी रहेगी ना वो हमारी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंडीशन के अंदर क्या था, 0.5 0.5 वाला है, ठीक है, और उसी के साथ हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे अनफेवरेबल वाला भी हो गया, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास और इनकी जो टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, यहाँ पे 1 के इक्वल होनी है, इतना भी यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो एक तो हम यहाँ पे क्या करें कि हमारे यहाँ पे जो फेवरेबल हमें यहाँ पे चीजें दी हुई है, ठीक है, जो हमारे फेवरेबल वाली जो हमें चीजें दी हुई है ना, तो या तो हम क्या करें इस फेवरेबल के अंदर हमारा क्या है 1 2 3 एंड 4, इन चारों की हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाले उनको हम यहाँ पे सम करें, फिर दूसरा हमारे यहाँ पे मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि हम यहाँ पे क्या करें अनफेवरेबल कंडीशन की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमारा एक ही यहाँ पे हमारा टाइप आर है, एक ही टाइप का हमारा रिजल्ट यहाँ पे है, तो बजाय कि हम यहाँ पे इन चारों की प्रोबेबिलिटी निकाले उनको हम यहाँ पे सम करें, उसके बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस अनफेवरेबल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे हम दूसरी तरफ लेके अगर जाएंगे, यानी कि फेवरेबल हमारा अगर यहाँ पे रहेगा तो 1 माइनस अनफेवरेबल ये हमारा क्या जाएगा, जो हम यहाँ पे फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी बताएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे हमारा अनफेवरेबल क्या था कि चारों बार हमारे यहाँ पे क्या आ जाए, हमारा यहाँ पे हेड आने की है 0.4 और टेल आने की है यहाँ पे हमारा 0.6, और हम यहाँ पे अनफेवरेबल किसको मान रहे थे, जब हमारा चारों बार यहाँ पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो चारों बार अगर हमारा टेल आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, अब एक बार यहाँ पे जो हमारा टेल है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6 है, तो चारों बार हमारे यहाँ पे टेल आई तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे 0.6 ये हमारा, तो चार बार हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, और इसको यहाँ पे अगर हम चार बार मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हमारा 1 2 7 6, तो ये हमारी किसकी प्रोबेबिलिटी आई है, ये हमारी अनफेवरेबल की आई है, और अनफेवरेबल को हमने क्या करना है 1 में से माइनस करना है, वो हमारा क्या आ जाएगा फेवरेबल की, और फेवरेबल की हमारी यहां पे क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.1276, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0.87, ये हमारा 96 आएगा, सॉरी ये, ठीक है, 1296, और ये हमारा यहां पे 04, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.87, हम इसको यहां पे लिख सकते हैं, ये इसी जैसे जो हमारा यहां पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारा यहां पे करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो बजाय कि हम यहाँ पे अनफेवरेबल के चारों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं, ठीक है, अब इससे अच्छा क्या है कि हम यहाँ पे अनफेवरेबल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x + 5y
डिवाइडेड बाय टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ यहाँ पे पे मैं मैं क्या क्या दिया दिया हुआ हुआ है है कि कि जो जो हमारा हमारा एक्स एक्स वाई 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 है है ये ये हमारा हमारा क्या क्या है, है, थ्री थ्री बाई बाई टू टू के के इक्वल इक्वल है है ये ये हमारे हमारे इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट होगी, होगी, और और सेकंड सेकंड में में यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या दिया दिया हुआ हुआ है है कि कि हमें हमें बताना बताना है है कि कि फोर फोर एक्स एक्स प्लस प्लस फाइव फाइव वाई। वाई। ठीक ठीक है, है, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय टू टू एक्स एक्स माइनस माइनस वाई। वाई। इसकी इसकी वैल्यू वैल्यू हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे किसकी किसकी इक्वल इक्वल रहेगी रहेगी वो वो हमें हमें यहाँ यहाँ पे पे बताना बताना है। है। तो तो अगर अगर हम हम यहाँ यहाँ पे पे फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन की की बात बात करें करें तो तो फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन के के अंतर्गत अंतर्गत अगर अगर हम हम यहाँ यहाँ पे पे जो जो हमारा हमारा एक्स एक्स है है इसकी इसकी अगर अगर हम हम वैल्यू वैल्यू निकालना निकालना चाहें चाहें तो तो ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, थ्री थ्री बाई बाई टू, टू, और और ये ये हमारा हमारा वाई वाई जो जो है है वो वो हमारा हमारा ऊपर ऊपर चला चला जाएगा जाएगा यहाँ यहाँ पे। पे। ठीक ठीक है, है, यहाँ यहाँ से से हमारी हमारी थर्ड थर्ड इक्वेशन इक्वेशन से से जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे एक्स एक्स है है उसकी उसकी वैल्यू वैल्यू हमें हमें यहाँ यहाँ पे पे कुछ कुछ मिल मिल जाती जाती है। है। और और इस इस इक्वेशन इक्वेशन को को हम हम क्या क्या करते करते हैं, हैं, जो जो हमारी हमारी ये ये वाली वाली इक्वेशन इक्वेशन दी दी हुई हुई है इसके इसके अंदर अंदर यहाँ यहाँ पे पे पुट पुट कर कर देते देते हैं हैं तो तो यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, फोर फोर एक्स एक्स हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या था, था, थ्री थ्री बाई बाई टू टू वाई। वाई। ठीक ठीक है, है, प्लस प्लस फाइव फाइव वाई वाई डिवाइडेड डिवाइडेड बाई, बाई, यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा टू टू एक्स एक्स हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या था, था, थ्री थ्री बाई बाई टू टू वाई वाई प्लस प्लस माइनस माइनस वाई। वाई। ठीक ठीक है, है, ये ये हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे इक्वेशन इक्वेशन आ आ जाती जाती है। है। अब अब इसके इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा क्या क्या होगा, होगा, ये ये हमारा हमारा टू टू इससे इससे कट कट गया गया यहाँ यहाँ पे, पे, तो तो ये ये हमारा हमारा यहाँ यहाँ पे पे टू टू रह रह गया, गया, तो तो ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा जाएगा ऊपर ऊपर की की तरफ, तरफ, सिक्स सिक्स वाई वाई टू टू इंटू इंटू थ्री थ्री क्या क्या होगा, होगा, सिक्स सिक्स वाई। वाई। ठीक ठीक है, है, प्लस प्लस फाइव फाइव वाई वाई डिवाइडेड डिवाइडेड बाई, बाई, यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा क्या क्या आ आ जाता जाता है, है, टू टू से से टू टू कैंसिल, कैंसिल, तो तो ये ये हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे थ्री थ्री वाई वाई रहेगा, रहेगा, थ्री थ्री वाई वाई माइनस माइनस वाई। वाई। ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाता जाता है, है, इलेवन इलेवन वाई वाई हो हो गया, गया, ये ये हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या हो हो जाता जाता है, है, ये ये हमारा हमारा टू टू वाई वाई हो हो गया। गया। ठीक ठीक है, है, क्या क्या तो तो वाई वाई से से वाई वाई कैंसल कैंसल आउट, आउट, तो तो ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, इलेवन इलेवन बाई बाई टू, टू, यानी यानी कि कि जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा, होगा, ये ये ही ही हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा। होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है, है, विच विच वन वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग फॉलोइंग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कॉजेस कॉजेस कैटाबोलाइट कैटाबोलाइट डिप्रेशन डिप्रेशन इन इन लैक लैक ऑफ ऑफ ब्रेन। ब्रेन। जो जो हमारा हमारा लैक लैक ऑफ ऑफ ब्रेन ब्रेन होता होता है है उसके उसके अंदर अंदर हमारा हमारा कौन कौन सा सा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल यहाँ यहाँ पे पे कैटाबोलाइट कैटाबोलाइट डिप्रेशन डिप्रेशन करता करता है, है, और और वो वो हमारा हमारा कौन कौन सा सा होता होता है, है, ग्लूकोज ग्लूकोज होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, जब जब ग्लूकोज ग्लूकोज हमारा हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट होगा होगा तो तो वो वो क्या क्या करेगा, करेगा, जो जो हमारा हमारा लैक लैक ऑफ ऑफ ब्रेन ब्रेन होता होता है है उसको उसको रिप्रेस रिप्रेस करके करके रखेगा। रखेगा। इसीलिए इसीलिए क्या क्या होता होता है है कि कि जो जो हमारा हमारा अगर अगर हम हम लैक्टोज लैक्टोज और और ग्लूकोज ग्लूकोज दोनों दोनों को को अगर अगर हम हम यहाँ यहाँ पे पे प्रोवाइड प्रोवाइड कर कर देते देते हैं, हैं, ठीक ठीक है, है, तो तो जो जो हमारा हमारा बैक्टीरिया बैक्टीरिया होगा होगा ना, ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या क्या करता करता है, है, देखो देखो जो जो हमारा हमारा लैक लैक ऑफ ऑफ ब्रेन ब्रेन है, है, लैक लैक ऑफ ऑफ ब्रेन ब्रेन का का काम काम ही ही क्या क्या होता होता है है कि कि इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स का का हमारा हमारा मेटाबोलाइज मेटाबोलाइज करवाना। करवाना। ठीक है, तो तो अगर अगर यहाँ यहाँ पे पे हमारा हमारा दोनों दोनों चीजों चीजों को को हम हम प्रोवाइड प्रोवाइड करवा करवा देते देते हैं, हैं, तो तो जो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता होता है है ना, ना, वो वो किसको किसको प्रेफर प्रेफर करता करता है, है, ग्लूकोज ग्लूकोज को को प्रेफर प्रेफर करेगा। करेगा। ग्लूकोज ग्लूकोज को को प्रेफर प्रेफर वो वो क्यों क्यों करता करता है, है, क्योंकि क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज क्या क्या करता करता है, है, ग्लूकोज ग्लूकोज हमारा हमारा लैक लैक ऑफ ऑफ ब्रेन ब्रेन को को यहाँ यहाँ पे पे रिप्रेस रिप्रेस करेगा। करेगा। अगर अगर ये ये इसको इसको रिप्रेस रिप्रेस कर कर देगा देगा तो तो जो जो हमारा हमारा लैक्टोज लैक्टोज यूज यूज होना होना चाहिए चाहिए था था वो वो हमारा हमारा यूज यूज नहीं नहीं हो हो पाएगा। पाएगा। ठीक ठीक है, है, तो तो ग्लूकोज ग्लूकोज क्या क्या करता करता है, है, इसको इसको रिप्रेस रिप्रेस करेगा, करेगा, और और अगर अगर ग्लूकोज ग्लूकोज ही ही अगर अगर हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे कम कम हो हो जाएगा जाएगा तो तो उस उस केस केस में में क्या क्या होगा होगा कि कि इसका इसका जो जो यहाँ यहाँ पे पे रिप्रेशन रिप्रेशन हो हो रहा रहा था था लैक्टोज लैक्टोज ब्रेन ब्रेन का का वो वो नहीं नहीं हो हो पाएगा, पाएगा, जिसकी जिसकी वजह वजह से से जो जो लैक्टोज लैक्टोज है है अब अब वो वो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे एक एक एनर्जी एनर्जी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल की की तरह तरह यूज यूज हो हो जाएगा, जाएगा, कार्बन कार्बन सोर्स सोर्स की की तरह। तरह। ठीक है, तो ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे ग्लूकोज ग्लूकोज है है वो वो हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाता जाता है, है, जो जो हमारा हमारा लैक लैक ऑफ ऑफ ब्रेन ब्रेन होगा होगा उसका उसका एक एक कैटाबोलाइट कैटाबोलाइट रिप्रेस रिप्रेस है। है। ठीक ठीक है, है, तो तो जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे थर्ड थर्ड ऑप्शन ऑप्शन है है वही वही हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे करेक्ट। करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है है विच विच न्यूक्लिएज न्यूक्लिएज ऑफ ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर डिग्रेडिंग डिग्रेडिंग द द जीनोम जीनोम ऑफ ऑफ द द इनवेडिंग इनवेडिंग लैम्डा लैम्डा फेज। फेज। जो जो हमारे हमारे इनवेडिंग इनवेडिंग लैम्डा लैम्डा फेज फेज होते होते हैं, हैं, ठीक ठीक है, है, उनकी उनकी
ठीक है, जब जब जो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया है है वो वो अपने अपने आप आप को को प्रिपेयर प्रिपेयर करता करता है है एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ के के लिए। लिए। जब जब एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्रोथ होती होती है है उसको उसको हम हम क्या क्या कहते कहते हैं? हैं? लो लो फेज। फेज। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके उसके बाद बाद हमारा हमारा कुछ कुछ स्टेशनरी स्टेशनरी फेज फेज आएगा आएगा और और देन देन उसके उसके बाद बाद ये ये डिक्लाइन डिक्लाइन होके होके हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे ये ये हमारा हमारा इस इस तरीके तरीके से से यहाँ यहाँ पे पे स्टेबल स्टेबल रह रह जाता जाता है। है। ठीक ठीक है, है, ये ये हमारा हमारा कौन कौन सा सा हो हो गया? गया? स्टेशनरी स्टेशनरी और और ये ये हमारा हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट कौन कौन सा सा हो हो गया? गया? डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग ग्रोथ। ग्रोथ। तो तो जो जो हमारे हमारे ये ये चार चार फेज फेज है है इसमें इसमें से से कौन कौन सा सा फेज फेज हमारा हमारा जो जो एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन है? है? ठीक ठीक है, है, एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन क्या क्या करता करता है? है? जो जो सेल सेल वॉल वॉल फॉर्मेशन फॉर्मेशन होती होती है है ना ना उसको उसको इनहिबिट इनहिबिट करता करता है। है। ठीक ठीक है, है, सेल सेल वॉल वॉल फॉर्मेशन फॉर्मेशन को को इनहिबिट इनहिबिट करेगा। करेगा। ठीक ठीक है, है, यानी यानी कि कि जो जो सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह है है वहां वहां पे पे जाके जाके ये ये क्या क्या करता करता है? है? उसको उसको इनहिबिट इनहिबिट करता करता है है वहां वहां पे। पे। ठीक ठीक है, है, तो तो हमें हमें यहाँ यहाँ पे पे बताना बताना है है कि कि कौन कौन सा सा फेज फेज एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन के के लिए लिए हमारा हमारा सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा यहाँ यहाँ पे पे सेंसिटिव सेंसिटिव रहेगा। रहेगा। हमने हमने क्या क्या बताया बताया एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन हमारा हमारा किसको किसको वहां वहां पे पे इनहिबिट इनहिबिट करता करता है? है? किस किस प्रोसेस प्रोसेस को? को? जो जो हमारी हमारी सेल सेल वॉल वॉल फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो हो गया, गया, फिर फिर जो जो सेल सेल की की जो जो आउटर आउटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होगी होगी वहां वहां पे पे जाके जाके वो वो क्या क्या करेगा? करेगा? अपना अपना नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट इफेक्ट शो शो करेगा। करेगा। तो तो ये ये जो जो यहाँ यहाँ पे पे हमारी हमारी नए नए सेल्स सेल्स के के अंदर अंदर जो जो वॉल वॉल वगैरह वगैरह या या फिर फिर उसकी उसकी जो जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह उसकी उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की की जो जो फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो हो रही रही है है वो वो हमारी हमारी मैक्सिमम मैक्सिमम किस किस फेज फेज के के अंदर अंदर होगी? होगी? जब जब हमारा हमारा लॉग लॉग फेज फेज होगा। होगा। लॉग लॉग फेज फेज के के अंदर अंदर क्या क्या होता होता है है कि कि जो जो हमारे हमारे बैक्टीरिया बैक्टीरिया होंगे होंगे वे वे क्या क्या करते करते हैं? हैं? वे वे हमारे हमारे रैपिडली रैपिडली ग्रो ग्रो करेंगे। करेंगे। अब अब रैपिडली रैपिडली अगर अगर वो वो ग्रो ग्रो कर कर रहे रहे हैं हैं तो तो यानी यानी कि कि वहां वहां पे पे क्या क्या हो हो रही रही है? है? बार 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 वहां वहां पे पे सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सेल सेल वॉल वॉल उनकी उनकी फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो हो रही रही है है और क्योंकि क्योंकि वहां वहां पे पे बार 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 इसकी इसकी फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो हो रही रही है है तो तो वही वही हमारा हमारा क्या क्या होगा होगा? एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन के के सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव सेंसिटिव रहेगा रहेगा क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पे पे तो तो इतनी इतनी ज्यादा ज्यादा ग्रोथ ग्रोथ हो हो ही ही नहीं नहीं रही रही थी थी ना। ना। सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा ग्रोथ ग्रोथ यहीं यहीं पे पे हो हो रही रही है। है जैसे जैसे कि कि हम हम यहाँ यहाँ पे पे केस केस लेके लेके चलते चलते हैं हैं ना ना कि कि सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा एक एक नॉर्मल नॉर्मल अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे कंडीशन कंडीशन लेके लेके चले चले मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे कोई कोई स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली इसको इसको प्रूफ प्रूफ नहीं नहीं कर कर रहा। रहा। वैसे वैसे अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे नॉर्मल नॉर्मल केस केस लेके लेके चले चले कि कि अगर अगर हम हम यहाँ यहाँ पे पे यूज यूज करके करके चले चले हमें हमें एक 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 क्वेश्चन क्वेश्चन दे दे दिया दिया जाए जाए हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली कि कि सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा जो जो सबसे सबसे कम कम सबसे जो कम कम जो जो बच्चे बच्चे रोते रोते हैं हैं वो वो किस किस मंथ मंथ में में रोएंगे? रोएंगे? वो वो हमारा हमारा हो हो जाएगा जाएगा फेब्रुवरी। फेब्रुवरी। वो वो क्यों क्यों होता होता है? है? क्योंकि क्योंकि इसके इसके अंदर अंदर डेज डेज ही ही ऑलरेडी ऑलरेडी कम कम है। है। 28 28 होंगे होंगे या या फिर फिर 29 29 होंगे। होंगे। बाकी बाकी हमें हमें कितने कितने होंगे? होंगे? 30 30 या या 31। 31। तो तो क्योंकि क्योंकि यहाँ यहाँ पे पे डेज डेज कम कम है है तो तो यानी यानी कि कि यहाँ यहाँ पे पे सबसे सबसे कम कम बच्चे बच्चे रहेंगे। रहेंगे। बात बात खत्म। खत्म। तो तो इसी इसी तरीके तरीके से से क्योंकि क्योंकि हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे लॉग लॉग फेज फेज के के अंदर अंदर सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे ग्रोथ ग्रोथ होती होती है है और और ग्रोथ ग्रोथ होगी होगी तो तो यानी यानी कि कि सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे सेल सेल वॉल वॉल या या फिर फिर जो जो सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन वगैरह वगैरह उसकी उसकी फॉर्मेशन फॉर्मेशन होगी होगी और और इसीलिए इसीलिए एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या होगा? होगा? सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव भी भी होगा। होगा। तो तो यही यही फेज फेज हमारा हमारा यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या होगा? होगा? जो जो हमारा हमारा सेकंड सेकंड ऑप्शन ऑप्शन है है ना ना लॉग लॉग फेज फेज ये ये हमारा हमारा सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव सेंसिटिव होगा होगा एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन के के लिए। लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है है द द ब्लड ब्लड वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ एन एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल इज इज 5 लीटर्स।5 लीटर्स। द द पर्सन पर्सन वाज वाज इंजेक्टेड इंजेक्टेड विद विद द द 500 500 mg mg ऑफ ऑफ द द ड्रग ड्रग दैट दैट हैज हैज ए ए मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट वेट ऑफ ऑफ 100 100 डाल्टन। डाल्टन। इफ इफ द द ड्रग ड्रग इज इज मेटाबोलाइज मेटाबोलाइज सो सो दैट दैट हाफ हाफ ऑफ ऑफ द द ड्रग ड्रग रिमेन्स रिमेन्स इन इन द द ब्लड ब्लड स्ट्रीम स्ट्रीम आफ्टर आफ्टर एवरी एवरी पासिंग पासिंग फ्लोर फ्लोर द द कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑफ द द ड्रग ड्रग 4 आवर4 आवर फ्रॉम फ्रॉम आफ्टर आफ्टर द द इंजेक्शन इंजेक्शन एज। एज। अब अब यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या है है कि कि कोई कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअल है है और और उसके उसके अंदर अंदर जो जो ब्लड ब्लड वॉल्यूम वॉल्यूम है है ना ना वो वो कितने कितने हैं हैं यहाँ यहाँ पे पे 5 लीटर5 लीटर है। है। ठीक ठीक है, है, जो जो यहाँ यहाँ पे पे टोटल टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम है है वो वो कितनी कितनी हो हो गई? गई? 5 लीटर5 लीटर हो हो गई। गई। अब अब उसके उसके अंदर अंदर क्या क्या है है कि कि उस उस पर्सन पर्सन के के अंदर अंदर हमने हमने एक एक ड्रग ड्रग को को इंजेक्ट इंजेक्ट किया। किया। कितना कितना इंजेक्ट इंजेक्ट किया किया है? है? जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे जो जो ड्रग ड्रग इंजेक्ट इंजेक्ट किया किया गया। गया। ठीक ठीक है, है, इस इस 5 लीटर5 लीटर के के अंदर अंदर कितना कितना किया किया है? है? फाइव 500 500
अगर हम यहाँ पे इसको अगर यहाँ हम पे यहाँ पे सोल्व सोल्व करने करने लगे लगे तो तो ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो 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 फाइव फाइव डिवाइडेड डिवाइडेड बाई बाई फाइव, फाइव, और और ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो गया गया जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट जीरो 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 वन। वन। ठीक ठीक है, है, और और ये ये हमारा हमारा क्या क्या है है मोलर मोलर के के अंदर। अंदर। और और अगर अगर हम हम यहाँ यहाँ पे पे इसको इसको मिली मिली मोलर मोलर के के अंदर अंदर कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर देते देते हैं, हैं, ठीक ठीक है, है, तो तो मिली मिली मोलर मोलर में में ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, ये ये हमारा हमारा 1000 1000 के के साथ साथ डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, होगा, और और 1000 1000 से से अगर अगर हम हम यहाँ यहाँ पे पे इसको इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते करते हैं हैं तो तो ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, 1 2 3 यानी कि यानी कि 1 मिली मोलर। ये ये हमारे हमारे क्या क्या थे थे इनिशियली इनिशियली यहाँ यहाँ पे पे इसके इसके अंदर अंदर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन 30 30 परसेंट परसेंट के के अंदर, अंदर, ठीक ठीक है, है, और और हर हर घंटे घंटे के के बाद बाद क्या क्या हो हो रही रही है, है, इसकी इसकी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन यहाँ यहाँ पे पे हाफ हाफ हो हो रही रही है, है, ठीक ठीक है, है, तो तो बस बस जे जे वर्ड वर्ड यहाँ यहाँ पे पे हम हम चलते चलते हैं, हैं, तो तो फर्स्ट फर्स्ट इसकी इसकी यहाँ यहाँ पे पे क्या क्या थी थी इनिशियली, इनिशियली 1 मिली मोलर। 1 घंटे एक घंटे के के बाद बाद ये ये कितनी कितनी रह रह जाएगी, जाएगी, 0.5 मिलीमोलर। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड सेकंड हाफ हाफ के के बाद बाद ये ये कितनी कितनी हो हो जाएगी, जाएगी, 0.25 मिलीमोलर। 0.25 मिलीमोलर। थर्ड थर्ड के के बाद बाद ये ये क्या क्या हो हो जाएगी, जाएगी, 0.125, 0.125, और और फोर्थ फोर्थ के के बाद बाद ये ये क्या क्या हो हो जाएगी, जाएगी, 0.6, 0.6, सॉरी सॉरी 0.0.0625, 0.0625, ठीक ठीक है, है, तो तो इसीलिए इसीलिए जो जो हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे फोर्थ फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन होगा होगा वही वही हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा। होगा। उसके उसके बाद बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है, है, इन इन एन एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट चेन चेन विच विच वन वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग फॉलोइंग कैन कैन बी बी ए ए टू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर। कैरियर। यहाँ यहाँ पे पे हमें हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ऑप्शन दिए दिए हुए हुए हैं, हैं, हमें हमें आपको आपको बताना बताना है है कि कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट चेन चेन के के अंदर अंदर हमारा हमारा कौन कौन सा सा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हमारा हमारा टू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर कैरियर के के अंदर अंदर काम काम करते करते हैं, हैं, ठीक ठीक है, है, तो तो वो वो हमारा हमारा कौन कौन सा सा होता होता है, है, फ्लैविन फ्लैविन हो, हो, ठीक ठीक है, है, ये ये हमारा हमारा एक एक मेमोरी मेमोरी बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन है, है, तो तो इसके इसके अंदर अंदर यहाँ यहाँ पे पे हमें हमें ज्यादा ज्यादा कोई कोई यहाँ यहाँ पे पे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताने बताने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, है, फ्लैविन फ्लैविन हमारा हमारा कैसा कैसा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल होता होता है है जो जो कि कि हमारा हमारा दो दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को को कैरी कैरी करता करता है है आगे आगे की की ओर ओर ट्रांसफर ट्रांसफर करेगा, करेगा, ठीक ठीक है, है, तो तो इसीलिए इसीलिए हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे जो जो थर्ड थर्ड ऑप्शन ऑप्शन होगा होगा वही वही हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे करेक्ट करेक्ट होगा। होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्वेश्चन क्वेश्चन आता आता है, है, द द इकोलाई इकोलाई हैज हैज ए ए वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ 1 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर क्यूब क्यूब एंड एंड द द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ द द सिंगल सिंगल बेस बेस पेयर पेयर इज इज 1 नैनोमोलर नैनोमोलर पर पर नैनोमोलर नैनोमोलर क्यूब। क्यूब। इफ इफ द द इकोलाई इकोलाई डीएनए डीएनए हैज हैज 5 5 इनटू इनटू 10 10 रेज रेज टू टू पावर पावर 6 6 बेस बेस पेयर पेयर देन देन द द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड बाय बाय द द जीनोम जीनोम इन इन द द सेल सेल इज। इज। अब अब यहाँ यहाँ पे पे हमारे हमारे पास पास क्या क्या है है कि कि हमारे हमारे पास पास यहाँ यहाँ पे पे एक एक इकोलाई इकोलाई सेल सेल हो हो गया, गया, ठीक ठीक है, है, इसकी इसकी जो जो वॉल्यूम वॉल्यूम है है वो वो हमें हमें क्या क्या दी दी गई गई यहाँ यहाँ पे, पे, 1 माइक्रोमोलर माइक्रोमीटर मीटर क्यूब, क्यूब, ठीक ठीक है है। क्या। अब अब इसके इसके अंदर अंदर क्या क्या है है कि कि यहाँ यहाँ पे पे हमारे हमारे बेस बेस पेयर पेयर प्रेजेंट प्रेजेंट होंगे, होंगे, डीएनए डीएनए वगैरह वगैरह प्रेजेंट प्रेजेंट होंगे, होंगे, और और जो जो हमारे हमारे ये ये बेस बेस पेयर पेयर दिया दिया हुआ हुआ है है हमें, हमें एक एक बेस बेस पेयर पेयर की की जो जो वॉल्यूम वॉल्यूम है है वो वो हमें हमें यहाँ यहाँ पे पे दी दी हुई हुई है है कितनी, कितनी, 1 नैनो मीटर क्यूब, ठीक है क्या। और इतने इतने हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे जो जो ये ये बेस बेस पेयर पेयर की की हम हम बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं ना, ना, एक एक बेस बेस पेयर पेयर का का तो तो ये ये हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे वॉल्यूम वॉल्यूम हो हो गया, गया, और और ऐसे ऐसे हमारे हमारे कितने कितने बेस बेस पेयर पेयर हैं हैं यहाँ यहाँ पे, पे, 5 इनटू 10 रेज टू पावर 6 बेस पेयर, ठीक है क्या। तो तो यहाँ यहाँ पे पे हमें हमें बताना बताना है है कि कि जो जो ये ये हमारे हमारे इतने इतने सारे सारे बेस बेस पेयर पेयर है, है, उन्होंने उन्होंने इस इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सेल सेल का का कितना कितना परसेंट परसेंट एरिया एरिया ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई किया किया होगा, होगा, ये ये हमें हमें यहाँ यहाँ पे पे बताना बताना है। है। तो तो सबसे सबसे पहले पहले हमें हमें तो तो क्या क्या करना करना पड़ेगा पड़ेगा कि कि जो जो हमारी हमारी ये ये दो दो यूनिट यूनिट दी दी हुई हुई है, है, ठीक ठीक है है क्या। जो जो हमारा हमारा बेस बेस पेयर पेयर है है वो वो हमें हमें नैनो नैनो मीटर मीटर के के अंदर अंदर दिया दिया हुआ हुआ है है और और ये ये हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे माइक्रो माइक्रो के के अंदर, अंदर तो तो पहले पहले तो तो इनको इनको यहाँ यहाँ पे पे एक एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर यूनिट यूनिट के के अंदर अंदर कन्वर्ट कन्वर्ट करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक ठीक है है क्या। क्या। तो तो अगर अगर हम हम यहाँ यहाँ पे पे इन इन दोनों दोनों को को मीटर मीटर के के अंदर अंदर ही ही कन्वर्ट कन्वर्ट करके करके चले चले जाएं, जाएं, तो तो हमें हमें पता पता है है कि कि जो जो हमारा हमारा एक एक माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर होता होता है, है, ये ये हमारा हमारा किसके किसके इक्वल इक्वल होता होता है, है, ये ये हमारा हमारा होगा होगा 10 रेज टू पावर -6 मीटर के इक्वल। लेकिन लेकिन यहाँ यहाँ पे पे हमें हमें क्या क्या दिया दिया हुआ हुआ है, है, क्यूब क्यूब दिया दिया हुआ हुआ है, है, तो तो इसी इसी वजह वजह से से ये ये हमारा हमारा क्या क्या हो हो जाएगा, जाएगा, ये ये भी भी हमारे हमारे यहाँ यहाँ पे पे क्यूब क्यूब हो हो जाएगा, जाएगा, तो तो इसी इसी वजह वजह से से ये ये हमारा हमारा कितना कितना हो हो जाता जाता है, है, 10 रेज टू पावर -18 -18 मीटर मीटर क्यूब। क्यूब। समझ समझ में में आया। आया।
ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ द रैंडम ईयर इज सिलेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट विल हैव बोथ 53 मंडेज एंड 53 ट्यूजडेज इज। अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे एक रैंडम ईयर को सिलेक्ट किया, ठीक है। रैंडम ईयर को अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे कितने होते हैं, 365 डेज होंगे, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे रैंडम ईयर को सिलेक्ट किया उसके अंदर हमारे क्या हो, 53 तो हमारे मंडे हो, ठीक है, और 53 हमारे यहाँ पे क्या हो, ट्यूजडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखो अगर हमारे यहाँ पे 365 डेज है, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीपल कर देते हैं ताकि हम यहाँ पे यूँ काउंट कर पाए कि हमारे जो हर एक डेज है टोटल हमारे जो जितने वीक होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो कितने वीक हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा जाएगा 52 वीक्स, और साथ में एक दिन हमारा बच जाएगा, 1 डे प्लस 1 डे हो गया, ठीक है। तो 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया कि जितने भी हमारे यहाँ पे डेज होंगे, मंडे होगा, ट्यूजडे, संडे, सब कुछ, ये हमारे कितने होंगे, ये हमारे 52 टाइम्स ही होंगे, यानी कि 52 टाइम हमारे यहाँ पे मंडे हो गया, 52 टाइम हमारे यहाँ पे ट्यूजडे हो गया, 52 टाइम हमारे यहाँ पे वेडनेसडे, सब कुछ ये हमारे 52 टाइम्स हो गए, और एक दिन यहाँ पे और एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब वो एक्स्ट्रा दिन हम किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मंडे और ट्यूजडे की बात पर्टिकुलर यहाँ पे करते हैं तो 52 हमारे मंडे है, 52 हमारे यहाँ पे ट्यूजडे है, तो जो एक दिन यहाँ पे बचा है वो हम या तो इसको दे सकते हैं मंडे को, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 53। लेकिन अगर ये 53 हो गए तो ये तो हमारे यहाँ पे कितने रहे, 52, जबकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि हमारे दोनों के दोनों चीजें कितने होने चाहिए, 53 होने चाहिए। तो यानी कि जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे ईयर रहेगा जिसके अंदर हमारे 365 डेज होते हैं जो कि हमारा लीप ईयर नहीं होगा, तो उसके अंदर तो देखो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होने से रही, ठीक है। तो ये हम कब फुलफिल कर सकते हैं, जब हमारे एक लीप ईयर आए, लीप ईयर हमारा कितना होता है, 366 डेज का, और उसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 52 वीक्स भी होंगे और प्लस हमारे यहाँ पे 2 डेज, एक डे एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 2 डेज हमारे यहाँ पे बचेंगे, क्लियर है। अब ये जो 2 दिन है ना, ये हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, ठीक है। तो ये जो हम 2 दिन की जो एक्स्ट्रा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो 52 तो हमारे सारे के सारे ही हो गए, ये भी 52, ये भी 52, ये भी 52, ये भी 52, 52 और ये भी 52। तो जो 2 दिन यहाँ पे बचते हैं वो हम किस किस को दे सकते हैं, या तो हम मंडे और संडे और मंडे को दे, या फिर हम मंडे ट्यूजडे को दे। ये तो नहीं हो सकता ना कि हमारे यहाँ पे मंडे को दे दिया और एक हम यहाँ पे फ्राइडे को दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो हमारे एक ऑर्डर में आएंगे। तो या तो हम यहाँ पे मंडे संडे मंडे को दे दे, ठीक है, या फिर हम मंडे ट्यूजडे को दे दे। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे पेयर में हो सकते हैं, और हमें यहाँ पे बताना क्या है कि हमारे 53 ही मंडे हो, 53 हमारे ट्यूजडे हो, यानी कि जो हम यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा इस वाले पेयर में हमारे ये दोनों दिन आ जाए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक हमारा संडे मंडे का हो सकता है, दूसरा हमारा क्या हो सकता है, मंडे टू ट्यूजडे का हो सकता है, थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्यूजडे टू वेंसडे का हो सकता है, फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, वेंसडे टू फ्राइडे, ठीक है, सॉरी वेंसडे टू थर्सडे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे थर्सडे टू फ्राइडे, सिक्स हमारे यहाँ पे फ्राइडे टू सैटरडे, और लास्ट हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, सैटरडे टू संडे, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी है, और हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी बतानी थी, जो हमारा संडे और मंडे को हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 1/7 हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे 53 ही मंडे हो और 53 हमारे यहाँ पे ट्यूजडे हो, क्योंकि जो 2 दिन बचे हुए हैं ना वो हमने सिर्फ इसी को दे दिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7 होगी। बट यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि हमने रैंडम ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, हमने लीप ईयर को सिलेक्ट नहीं किया, रैंडम ईयर को सिलेक्ट किया है। और रैंडम ईयर तो हमारे यहाँ पे देखो जो नॉर्मल हमारे होते हैं नॉन लीप ईयर, उनके अंदर तो ये कंडीशन आ ही नहीं रही थी, ये हमारी कब आ रही थी, जब हमारे लीप ईयर थे, और लीप ईयर खुद कितने टाइम के बाद आते हैं, 4 साल में एक बार आएंगे। तो जो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1/4 के साथ मल्टीपल, यानी कि 1/28। तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन, वो हमारे यहाँ पे फोर्थ जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1/28, वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ये नहीं देखना, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा वो हमारा कौन सा जाएगा, जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, 1/28। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड इज जॉइंड टू फॉर्म ए स्मॉलर इक्विलेटरल ट्राइंगल इन साइड द लार्जर ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द पैरामीटर इज। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ठीक है, ये आप समझ सकते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एग्जैक्ट बिल्कुल साइड बाय साइड तो यहाँ पे नहीं बनाइए, ये हमारे पास क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और इसके अंदर हमने क्या किया कि जो इसके मिड पॉइंट्स है, जैसे कि इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो गया, इनके मिड पॉइंट्स को यहाँ पे हमने आपस में ऐड करके एक और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मेशन की,
ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉलर ट्राइंगल हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारे ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है, एक लार्ज है एक हमारे यहाँ पे स्लो वाला जो स्मॉल वाला है, तो इनकी जो पैरामीटर होगा उनका यहाँ पे क्या रेशो रहेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा लार्ज यहाँ पे ट्राइंगल था उसकी जो यहाँ पे साइड थी वो हमारी एक्स थी, तो ये भी एक्स होगी ये भी हमारी एक्स होगी क्योंकि इक्विलेटरल है, तीनों साइड हमारी इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स एक्स एक्स। और जो इसका पैरामीटर होगा, जो हमारा यहाँ पे लार्ज ट्राइंगल है उसका जो यहाँ पे पैरामीटर होता है वो हमारा कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है अगर हम यहाँ पे इक्विलेटरल की बात करें, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 3 × साइड, और साइड यहाँ पे क्या है एक्स है, तो यानी कि 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे छोटे वाला ट्राइंगल है। छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे क्या है, देखो हमने क्या बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है ना, ये हमारा मिड पॉइंट है, यानी कि जो हमारा ये एक्स था टोटल, इसका हाफ ऊपर की तरफ है हाफ नीचे की तरफ है, यानी कि जो हमारी ये वाली जो लेंथ आ रही है ना पर्टिकुलर, इतनी लेंथ ये हमारे यहाँ पे कितनी लेंथ होगी 1/2x, यानी कि x/2 कह सकते हैं हम। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पे क्या है ये x/2 ऊपर चली गई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा x/2 और ये भी हमारा x/2, सिमिलरली ये भी हमारा x/2 और ये भी हमारा x/2, क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या बताया कि जो हमारे स्मॉल ट्राइंगल है वो भी हमारे यहाँ पे कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल का मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड उसकी इक्वल है। अब दो दो साइड हमने यहाँ पे प्रूफ ही कर दी कि ये दोनों साइड तो एक दूसरे के इक्वल है ही, तो यानी कि ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा x/2 ही होगा। और अगर ये x/2 होगा तो यानी कि ये तीनों भी हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/x/2, ये भी हमारा x/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि हमारी तीनों की तीनों जो साइड है वे हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पे x/2। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका जो पैरामीटर होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से मल्टीपल कर देगी, तो ये हमारा कितना हो गया 3/2x। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये किसका था, जो हमारा यहाँ पे स्मॉल वाला ट्राइंगल था इक्विलेटरल ट्राइंगल उसका पैरामीटर। और यहाँ पे हमें क्या बताना था कि इनकी रेशियो में बतानी है, तो यहाँ पे हमारी रेशियो क्या आ जाएगी इसकी, ये हमारा 3x है ये हमारा 3/2x हो गया। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे हमारा क्या बचा 1/2, 2 ऊपर चला गया तो यानी कि 2/1, यहाँ पे हमारी रेशियो क्या आ जाती है 2:1 या फिर 1:2, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिवली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यू टू कफिंग। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिजीज दी हुई है और उसमें से यहाँ पे बताना है कि हमारी कौन सी ऐसी डिजीज है, पेयर रहेगा, दो डिजीज हमें दी हुई है ना, कौन सी हमारी डिजीज का पेयर रहेगा जो कि हमारा पर्सन टू पर्सन हमारा ट्रांसमिट हो सकता है कफिंग के थ्रू। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एड्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, तो एड्स तो हमारा नहीं होगा पर्सन टू पर्सन कफिंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डेंगू एंड कोविड-19, तो कोविड-19 तो हमारे यहाँ पे कफिंग के थ्रू हो सकता है लेकिन डेंगू हमारा ट्रांसमिट नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मलेरिया एंड टाइफाइड, तो मलेरिया भी नहीं होगा हमारा कफिंग के थ्रू। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है स्वाइन फ्लू एंड एडेनो वायरस, तो ये हमारे यहाँ पे कफिंग के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विद लार्ज फ्लक्चुएशन मेजर दैट ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ए सैंपल एंड दैट टू रीडिंग आर 10^-7 mg एंड 10^-9 mg रिस्पेक्टिवली। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ इम्प्योरिटी लेवल विच कैन बी फाउंड बाई टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू डाटा पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाईली सेंसिटिव है, ठीक है, विद अ लार्ज फ्लक्चुएशन, उसके अंदर फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, मेजर द ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन ए सैंपल, जो कि हमारा क्या कर रहा है सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी को यहाँ पे मेजर कर रहा है। और जो दो रीडिंग यहाँ पे हमें इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखने को मिली है वो हमारी क्या आ रही है 10^-7 mg एंड 10^-9 mg। ठीक है, ये इम्प्योरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ये हमारी दो रीडिंग आई है। ठीक है, और इसका बेस्ट एस्टिमेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का मीन हम यहाँ पे लेते हैं। तो जो हमें यहाँ पे मीन आ रहा है ना वो हमें यहाँ पे सिर्फ बताना है कि हम इनका जो अर्थमेटिक मीन रहेगा वो हमारा क्या आएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 10^-7 + 10^-9 / 2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर हम 10^-9 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे अंदर की तरफ हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे तो हमारा 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10^-2। ठीक है, जो हमारा 9 वाला था ना ये हमारा क्या हो जाएगा 10^-2 हो जाएगा इसके लिए, और नीचे हमारा यहाँ पे क्या है 2। देन उसके बाद 10^-7 तो देखो अंदर ही था, अगर हम यहाँ पे ये बाहर की तरफ चला गया था तो अंदर की तरफ हमारे यहाँ पे क्या है अभी भी 1 + 10^-2 है, यहाँ पे हमारा 1 और ये हमारा 10^-2 हमारा किसके इक्वल होता है 0.01 के इक्वल, तो ये हमारा क्या हो गया 1.01 के इक्वल, तो यानी कि ये हमारा अंदर यहाँ पे क्या आ जाता है 1.01/2, क्लियर है। अब उसके बाद
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे 10^-7 दिया हुआ है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे क्या है 1.01। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे ये वाला पॉइंट है ना, अगर हम यहाँ पे इसको 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारे यहाँ पे 1.01 है, अगर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं डिवाइड किसके साथ, 2 के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 10^-7, तो यूं का यू है, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 0.5 के इक्वल। ठीक है, अप्रोक्स हमारा 0.5 ही आएगा। और अगर हम यहाँ पे इसको 0.5 लेके चलते हैं, ठीक है, देखो ये बिल्कुल इक्वल इसके नहीं रहेगा, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ये हमारा आएगा 0.505 के इक्वल। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, ये हमारा 50 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 0.5, ये हमारे यहाँ पे क्या है -7, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10^-8। तो इनका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 5 × 10^-8, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज, जब हमारी रेप्लिकेशन होती है तो उस टाइम पे जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारा क्या काम करता है, कैन इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डीनोवो। बिल्कुल इनकरेक्ट है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, वो हमारा डीनोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता डीएनए की, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है प्राइमर के ऊपर। अगर प्राइमर हमारा वहां पे प्रेजेंट होगा तो ही हमारी वहां पे पॉलीमराइजेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो पाएगी, अगर वो नहीं है तो वहां पे हमारी प्रोसेस नहीं आगे ट्रांसमिट होगी। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हमारा बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देगा, कैन नॉट इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस डीनोवो। अब ये इसके यहाँ पे क्या हो जाते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये तो हमारी अगर इनकरेक्ट थी तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगी, बस बात खत्म। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एल पायरुवेट टू एल लैक्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा पायरुवेट है वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, लैक्टेट के अंदर। तो ये हमारा किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो जो हमारा पायरुवेट होता है ना उसकी जब रिडक्शन यहाँ पे होती है तो वो हमारा क्या करता है यहाँ पे लैक्टेट की फॉर्मेशन करेगा, बस। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कन्वर्जन ऑफ यूडीपी गैलेक्टोज टू यूडीपी ग्लूकोज अक्कर बाय, जो हमारा यूडीपी गैलेक्टोज है, यूडीपी गैलेक्टोज जब ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, जो हमारे यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज है, तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है वो हम यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे यूडीपी गैलेक्टोज है, जब हमारा वो यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन होगी, पहले हमारे यहाँ पे होता है गैलेक्टोज ऑक्साइडेज, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या होगी, एक तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन और एक हमारे यहाँ पे रिडक्शन। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ए 2 kb इंसर्ट हैज टू बी लाइगेटेड टू ए 8 kb प्लाज्मिड इन ए लाइगेशन मिक्स वेयर वी वांट टू कीप द वेक्टर इंसर्ट मोलर रेशियो एज 1:2। इफ 1 μg ऑफ वेक्टर इज यूज द अमाउंट ऑफ द इंसर्ट टू बी यूज इज, यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 2 kb का यहाँ पे हमारा एक इंसर्ट है, और इस इंसर्ट को हमें क्या करना है, एक हमारे यहाँ पे वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर हो गया कितना 8 kb का, इसके अंदर इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, अब ये कुछ इंसर्ट हमें इस तरीके से करना है कि जो हमारे यहाँ पे वेक्टर है और जो हमारे यहाँ पे इंसर्ट है, इनकी जो रेशियो है वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए 1:2। ये किस रेशियो की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मोलर रेशियो की। ठीक है, तो जो इनकी यहाँ पे रेशियो क्या होनी चाहिए 1:2 होनी चाहिए। और फर्दर यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे वेक्टर है वो हमारा कितना है यहाँ पे 1 μg, तो अगर ये हमारे यहाँ पे 1 μg है, तो अगर इसकी मोलर रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उस हिसाब से जो हमारा इंसर्ट होगा उसकी यहाँ पे अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 μg हो गई। ठीक है, क्योंकि रेशियो तो यहीं पे ये दी ना 1:2। अब देखो जो यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन जो या फिर हमें यहाँ पे मोलर रेशियो दी हुई है ना, ये हमारी किसके लिए है, जब हम यहाँ पे इन दोनों की सेम अमाउंट ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेक्टर हमारे यहाँ पे कितना था 8 kb था, तो ये जो 1 μg है ना ये हमारा किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 1 μg को, ये जो हमारे यहाँ पे जो इंसर्ट था वो हमारा कितना था यहाँ पे 2 μg, लेकिन ये जो 2 μg होगा ना ये किसके लिए होगा 8 kb के लिए, क्लियर है। और यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट कितना किया है सिर्फ 2 kb ही, तो यानी कि ये क्या हो गया इसका फोर्थ हो गया। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया 2 kb आएगा, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 2 μg है ना ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा यहाँ पे है 8 kb के लिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें सिर्फ 2 kb के लिए, तो 2 kb के लिए हमारा क्या हो जाएगा 0.5 μg। तो बस उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द शॉर्टेस्ट लैंड रूट हैज टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम मुंबई टू ए सिटी एक्स इन मैक्सिको एट द सेम लेटिट्यूड द रूट विल बी, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये टाइप से जो ज्योग्राफी का हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है, तो इसके अंदर में क्या दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर हमारे अगर हमें मुंबई से
मैक्सिको की किसी एक्स सिटी के अंदर हमारे यहाँ पे हमें जाना हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे अगर दोनों के दोनों हमारी सेम लेटिट्यूड के ऊपर है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट जो हमारा रूट होगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे जो ग्लोब होगा या फिर जो हमारे यहाँ पे अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर जो दो पॉइंट है उनके अगर सेम लेटिट्यूड के ऊपर है, तो उनके लिए हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो कभी भी हमारा स्ट्रेट लाइन तो कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें द लेटिट्यूड लाइन, जो हमारे यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट की हमने यहाँ पे जो बात की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए लाइन कर्विंग सो दैट इट टचेस द हायर लेटिट्यूड। ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये हमारा कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। स्ट्रेट लाइन ना जाके हमारा कैसे जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे हायर लेटिट्यूड है ना उसकी तरफ जाके, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, जैसे कि तो ये हमने जैसे कि पॉइंट ये पढ़े थे इस कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जितना हम ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते जाएंगे, तो बजाय कि हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट जाके, अगर हम यहाँ पे ऊपर जैसे जो हमारी बॉल होती है ना, बॉल के ऊपर क्या होगा इस तरीके से हमारी कर्व होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट जाने के बजाय स्ट्रेट से हमारा क्या होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट ये हमारा यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो ऊपर अगर हम यहाँ पे ये हमारा कुछ इस तरीके से है, जैसे कि ये हमारा ऊपर की तरफ ये कर्व है, ठीक है, क्योंकि ये बॉल है ना, तो ऊपर की तरफ ये हमारा उठा होगा यहाँ पे भाग। और अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से इस तरीके से जाते हैं, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पड़ेगा, शॉर्ट रूट यही होगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है, ए लाइन कर्विंग सो दैट इट टचेस द हायर लेटिट्यूड, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ए लाइन कर्विंग सो दैट इट टचेस द लोअर लेटिट्यूड, लोअर में तो ये हमारा और भी ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जो अगर हमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पूछा होता, तो हम यहाँ पे लोअर लेटिट्यूड की बात करते हैं। ए लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल, नहीं नॉर्थ पोल पे जाने की जरूरत नहीं है। ए लेट द लेटिट्यूड लाइन कनेक्टिंग मुंबई एंड एक्स, लेटिट्यूड लाइन का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंड फर्स्ट टू द पी साइट ऑफ ए बैक्टीरियल राइबोसोम। यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि हमारे बैक्टीरियल राइबोसोम के अंदर, ठीक है, जो पी साइट होती है किस टाइम पे, जब हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन चलती है। देखो जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन है, या फिर कोई भी हमारी ट्रांसलेशन है, बैक्टीरिया हो या फिर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कैसे भी हो, तो जब ट्रांसलेशन होती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे दो राइबोसोमल यूनिट होती है, एक हमारी स्मॉलर यूनिट एक हमारी लार्जर, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एमआरएनए बाइंड हो जाता है। अब जो हमारी स्मॉल और जो लार्ज सब यूनिट है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी तीन साइट की फॉर्मेशन होती है, एक हमारे यहाँ पे ई साइट, एक हमारी पी साइट, एक हमारे यहाँ पे ए साइट। तो जो फर्स्ट हमारे यहाँ पे टीआरएनए आता है, देखो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि ये हमारा पहले ए साइट पे आएगा, फिर हमारा ये पी साइट पे, फिर हमारा यहाँ पे ई साइट के ऊपर जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे टीआरएनए होगा, वो हमारा डायरेक्टली कहाँ पे आता है, पी साइट के ऊपर आता है। तो जो पी साइट के ऊपर हमारा जो टीआरएनए आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंड फर्स्ट टू द पी साइट ऑफ द बैक्टीरियल राइबोसोम, जो हमारे यहाँ पे कौन सा हमारा ऐसा टीआरएनए है, वो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा हमारा यहाँ पे ऐसा अमीनो एसिड टीआरएनए है, विच वन ऑफ द अमीनो एसिड टीआरएनए फर्स्ट बाइंड टू द पी साइट। पी साइट से हमारा कौन सा जाके यहाँ पे बाइंड करेगा सबसे पहले, बाकी तो हमारे ए साइट के ऊपर जा रहे थे, पी साइट के ऊपर हमारा डायरेक्टली कौन जाएगा, जो हमारा यहाँ पे इनिशिएशन टीआरएनए होगा, इनिशिएटर टीआरएनए बस। और इनिशिएटर टीआरएनए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो हमारा टीआरएनए है, ठीक है, टीआरएनए हमारा यहाँ पे क्या हो गया, टीआरएनए है ये। टीआरएनए के लिए हमारे यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पे जो प्रीफिक्स, एक हमारे यहाँ पे जो इसकी पावर में यहाँ पे रखते हैं। तो जो इसकी पावर होती है ना, पावर हमें यहाँ पे क्या बताती है कि ये जो हमारा टीआरएनए है, वो हमारा किस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ हमारा बाइंड होगा। अब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर हमारी अगर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड होता है, वो हमारा कौन सा होता है, मिथियोनिन होगा, इतना तो हमें क्लियर है। और जो मिथियोनिन भी होता है ना, ये हमारा नॉर्मल मिथियोनिन ना होकर हमारा इनिशिएटर मिथियोनिन होगा। और इनिशिएटर अगर मैं बैक्टीरिया के लिए बात करें, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे मिथियोनिन होता है, उसके साथ हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा फॉर्माइल ग्रुप अटैच रहेगा उसके साथ, एन फॉर्माइल, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि फॉर्माइल की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो फॉर्माइल मिथियोनिन हो गया, तो इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एफ मेथ, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारे यहाँ पे देखो, एक तो हमारे यहाँ पे टीआरएनए मेथ हो गया सिर्फ, एक हमारे यहाँ पे टीआरएनए एफ मिथियोनिन हो गया। तो इनके अंदर हमारा क्या डिफरेंस है कि ये जो हमारा टीआरएनए है ना, ये हमारा किसके साथ बाइंड होगा, फॉर्माइल मिथियोनिन के साथ, और फॉर्माइल मिथियोनिन हमारा क्या हो गया, इनिशिएटर अमीनो एसिड, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। और नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे टीआरएनए मिथियोनिन है, ये हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे कहीं बीच में जाके हमारा मिथियोनिन को ऐड करवाएगा,
ऐसा तो नहीं है ना मिथियोनिन हमारा सिर्फ इनिशियली ऐड होगा, बीच में भी कहीं भी ऐड हो सकता है, तो वो कौन करवाएगा जो हमारा नॉर्मल यहाँ पे टीआरएनए मिथियोनिन होगा। अब देखो यहाँ पे बाइंड किससे करेगा, एफ मिथाइल से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके आगे भी यहाँ पे हम जो लिखते हैं ना, देखो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये किससे बाइंड होगा। अब इसके साथ एक्चुअल में कौन बाइंड हो रहा है, एक्चुअल में भी हमारा एफ मिथाइल नहीं हुआ, बस बात खत्म। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे टीआरएनए है जो कि हमारे यहाँ पे पी साइट के ऊपर बाइंड करेगा, वो हमारा कौन सा होता है, एफ मैथ टीआरएनए एफ मैथ, यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है मैथ दिया हुआ है यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे हमारा मिथियोनिन, तो ये तो हमारा बीच वाले हो गए अमीनो एसिड, ये हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सेकंड ऑप्शन के अंदर, ये हमारा इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमारा एफ मैथ टी आर एन ए एफ मैथ, तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मिथियोनिन दे दिया फिर से इनकरेक्ट, यहाँ पे हमारा एफ मैथ लेकिन जो इसकी पावर दी हुई है ये हमारे यहाँ पे मिथियोनिन दे दिया, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डीबीटी लाइफ डीबीटी से रिलेटेड और सीएसआईआर लाइफ साइंस से रिलेटेड और गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।